जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। हम जानेंगे कि भारत काफ़ी एग्रेसिव होकर के दुनिया के दूसरे देशों को तेजस क्यों प्रस्तुत कर रहा है, क्यों ऑफर कर रहा है। इसके अलावा सिंगापुर एयर शो भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम ये भी जानेंगे कि दुनिया के कौन कौन से वो देश हैं जिनकी नज़र इस समय भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर है और इसके क्या मायने निकलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढते हैं आज के अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आपको याद हो आज से 3 महीने पहले दुबई एयर शो आयोजित किया गया था, जहां पर भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था और वहां पर इसकी फ्लाइंग स्किल्स को देख करके दुनिया के तमाम देश, खासकर दुबई, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। और वो माना जा रहा था कि वो जो इवेंट था बेसिकली वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक नई आधारशिला का काम करेगा। और ऐसा होता भी दिख रहा है, क्योंकि अब ऑफिशियली इस चीज़ की स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो, जो कि 15 से लेकर के 18 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाना है, वहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ भारतीय वायुसेना पार्टिसिपेट कर रही है। वहां पर ना सिर्फ ये जेट अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतेगा, बल्कि माना जा रहा है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी नज़रें भी इस जहाज़ के ऊपर बनी होंगी। आपको बता दें कि इस एयर शो में तकरीबन 8 फ्लाइंग डिस्प्लेज होंगे और इसके अलावा 4 देशों की जो वायुसेनाएं हैं इसमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा 2 कमर्शियल कंपनीज भी हैं जो इस एयर शो को ज्वाइन कर रही हैं। खास बात यहां पर यह है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा US मिलिट्री अपने जहाज़ों को लेकर के आएगी, इंडोनेशिया की जो एरोबेटिक टीम है वो भी इसका हिस्सा होगी और सिंगापुर की जो एयरफोर्स है वो भी अपने एरियल डिस्प्ले के साथ यहाँ पर आएगी। ऑर्गेनाइजर्स का दावा है कि इस एयर शो में तकरीबन 600 ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्म्स हैं वो इस पूरे के पूरे इवेंट को यहाँ पर अटेंड करेंगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के ये माना जा रहा है कि सिंगापुर एयर शो में ये अपने स्किल्स को जिस समय दिखा रहा होगा उस समय दुनिया के कई देश, जिसमें दुबई और मलेशिया शामिल हैं, उनकी नज़रें इस एयरक्राफ्ट पर होंगी, क्योंकि उन्होंने ओपनली अपना जो इंटरेस्ट है वो इस जहाज़ में प्रदर्शित किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस समय अगर बात करें मलेशिया के सेंस में, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सीधा कंपटीशन इस समय तुर्की की हूरजेट से है, जो कि मलेशिया के एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए दोनों आमने सामने हैं। और माना जा रहा है कि इस तरह के जो एयर शो हैं वो तेजस के लिए जो जीते जाने के चांसेस हैं उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। क्योंकि अगर हम सिंगापुर को एक मिनट के लिए हटा दें तो इस समय सबसे बड़ा कंपटीशन जो तेजस फेस कर रहा है वो है मलेशियन एयरफोर्स के लिए जो 18 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं वो कंपटीशन। यहाँ पर बेसिकली जो मलेशियन एयरफोर्स है वो अपने पुराने हॉक 108 और हॉक 208 एयरक्राफ्ट को हटाना चाहती है या रिप्लेस करना चाहती है, और इसके लिए वो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत रखते हैं जो कि ट्रेनिंग के साथ साथ कॉम्बैट मिशन में भी बढ़िया परफॉर्म कर सके। और उसके लिए भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है। लेकिन हाल ही में अभी TAI, जो कि तुर्किस एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है, उसके तरफ से मलेशिया में जब एक कह सकते हैं ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि तुर्की पूरी तरीके से मलेशिया को लुभाने के प्रयास में है। और उन्होंने मलेशिया को ये भी ऑफर किया है कि अगर मलेशिया तुर्की के हूरजेट को सेलेक्ट करता है तो 18 में से जो 15 एयरक्राफ्ट है वो मलेशिया में ही बनाए जाएंगे। और यही इसीलिए ये माना जा रहा है कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक सबसे बड़े ओपोनेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी कमर कस ली है और भारत ने ये कहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जहाँ तक बात रही, इसके लिए पूरा का पूरा जो एक फैसिलिटी है वो मलेशिया में भारत इस्टेब्लिश करेगा, जहाँ पर मलेशिया की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने एयरक्राफ्ट को कस्टमाइज़ करने की बात भी कह दी है। कुल मिलाकर के ये जो इस तरह के एयर शो हैं ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भारत सिंगापुर के लिए भी ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनका ऑफर करेगा, और इस उम्मीद में भारत रहेगा कि सिंगापुर इस एयरक्राफ्ट को खरीदे, क्योंकि अभी भी तेजस को अपने पहले एक्सपोर्ट कस्टमर्स का इंतज़ार है। अगर हम तेजस के स्ट्राइक पैकेज पर नज़र डालें, तेजस के एवियोनिक्स पैकेज पर नज़र डालें, तो फिलहाल ये 4th जनरेशन का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जा रहा है, क्योंकि जो स्ट्राइक पैकेज इसके पास है, जो हथियार इसके पास हैं, जिस तरह का रेडार इसके पास है, जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स इसके पास हैं, इसकी टक्कर में कोई और एयरक्राफ्ट नज़र भी नहीं आता है। और इसी चीज़ ने मलेशियन गवर्नमेंट का ध्यान हमेशा तेजस की तरफ टिकाए रखा है। और माना जा रहा है मलेशिया की एक और शर्त है जिसको मानना पड़ेगा, वो है कि मलेशिया ने ये कहा है कि जो भी जो मैन्युफैक्चरर हैं जो इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे या जो भी वेंडर सेलेक्ट किए जाएंगे उनको तकरीबन 30% जो प्रोडक्ट है वो मलेशियन कंपनीज से ख़रीदना पड़ेगा। यानी कि आपको हम बता दें, मलेशिया ने कुछ ऑफसेट जो क्लॉज हैं वो भी सामने
ला दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये बन के तैयार है, इसीलिए HAL इसको लेकर के कॉन्फिडेंट है। क्योंकि अगर हम तुर्की की हुरजेट की बात करें, तो वो अभी डेवलपमेंटल फेज़ में है, वो बन के तैयार नहीं है, उसने अपनी पहली उड़ान भी नहीं आयोजित करी है। लेकिन तेजस की पहली उड़ान भी आयोजित हो चुकी है, ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा भी है, और तेजस का जो सबसे एडवांस वेरिएंट है, अगले महीने उसकी पहली उड़ान भी है, यानी तेजस मार्क 1A की। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेसिकली दोनों देशों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और इसी को लेकर के HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर R. माधवन सर ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि जो भी देश तेजस को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, वो सामने आएँ और उनकी ज़रूरत के हिसाब से भारत अपने इन जहाज़ों को अपग्रेड करने के लिए भी तैयार है। और R. माधवन सर ने ये भी कहा है कि हुरजेट का इसके सामने कोई कंपटीशन नहीं होने वाला है, क्योंकि तेजस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं, जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हुरजेट से कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। बात करके मलेशिया के कॉस्ट की, तो मलेशिया कॉस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। मलेशिया का जो बजट है वो रफली $900 मिलियन का है, जिसके अंतर्गत वो 18 की संख्या में फाइटर जेट्स खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि पर एयरक्राफ्ट जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन $50 मिलियन की आने वाली है, और यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस प्राइस के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। और भारत ने ये जहाज़ काफ़ी कम कीमत में ऑफ़र भी किए थे, और इसकी अपडेट भी हमने आपको दी थी। बात करें अगर हम 2016 से, तो 2016 से लेकर आज तक भारत ने काफ़ी एग्रेसिव होकर के दुनिया के कई देशों के एयर शो में अपने इस जहाज़ को पिच किया है। जैसे 2016 में बहरीन एयर शो से अपनी शुरुआत करने के बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहीं नहीं रुका, और इस समय कोई भी एयर शो जो कि साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में होता है, वहाँ भारत ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहा है। और भारत ने मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में तेजस के लॉजिस्टिक हब्स को भी इस्टेब्लिश करने की बात कही है, और ये कहा है कि अगर ये देश इस पे इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भारत की तरफ से हो सकता है। तेजस कैसा फाइटर जेट है ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेकर के आपको हमने कई सारी वीडियोस में बता दिया इसकी कैपेबिलिटी क्या है। और अभी हाल ही में इसको अस्त्र मिसाइल का मैन्ना और कई जो दूसरे वेपन्स हैं, जिनमें 100 तारा और भी दूसरे जो बॉम्ब्स हैं, वो शामिल किए गए हैं। अगर आप इसके स्ट्राइक पैकेज पर गौर से देखें तो आपको इसमें और भी कई हथियार हैं जो देखने को मिलेंगे, और आने वाले समय में इसमें और भी दूसरे हथियारों को शामिल किया जाएगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट को कहीं ज़्यादा घातक बनाता है। और यही कारण है कि भारत लगातार इस एयरक्राफ्ट को अपने जो मित्र देश हैं उनको कह सकते हैं ऑफर कर रहा है। अब कौन कौन से देश इसको लेकर के इंटरेस्टेड हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है डील की, वो है मलेशिया के साथ, और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फिलहाल हुरजेट, अगर यहाँ पर तुर्की ने अपना जो मुस्लिम कार्ड है वो ना खेला और मलेशिया को बाध्य ना किया, तो उम्मीद है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो भारत का इस पूरे कंपटीशन को जीत सकता है। फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।